हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सतवीर कल्याण और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइंस्टाइन इक्वेशन और डिफ्यूजन कांस्टेंट को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, मास एक्शन लॉ को डिस्कस किया था, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक का नाम है हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन। तो ये क्या हमें बताता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन आ सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में आपका जो डी एन अपॉन म्यू एन है वो इक्वल टू होता है आपके थर्मल वोल्टेज के। डी एन जो है यहाँ पर ये आपका होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट और म्यू एन होता है आपका मोबिलिटी। डिफ्यूजन कांस्टेंट को अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, मोबिलिटी को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए होता है और डी पी अपॉन म्यू पी ये आपका होल के लिए होता है और इक्वल टू होता है ये आपका थर्मल वोल्टेज के। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, जो आपका आइंस्टाइन इक्वेशन है ये हमें आपकी एक रिलेशन बताती है, यानी रिलेशन देती है। इट गिव रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट, मोबिलिटी एंड थर्मल वोल्टेज के बीच में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन होती है ये हमें रिलेशन देती है डिफ्यूजन कांस्टेंट, मोबिलिटी और आपका किसके बीच में, थर्मल वोल्टेज के बीच में। इसको अब हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसे भी हम देखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये म्यू एन अपॉन डी एन इक्वल टू म्यू पी अपॉन डी पी और जो हमारी थर्मल वोल्टेज थी वो कैसे आ जाएगी, वन अपॉन वी टी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका डी अपॉन म्यू जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर के क्यों प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो डी अपॉन म्यू होता है वो आपका इक्वल टू किसके होता है, थर्मल वोल्टेज के। ठीक है, और थर्मल वोल्टेज हमने अपने पहले ही लेक्चर में देखा था, जिसको डिस्कस किया था हमने डिटेल में, वो होता है टी अपॉन 11600। तो इसका मतलब ये है आपका जो टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल है थर्मल वोल्टेज के, और थर्मल वोल्टेज आपकी इक्वल है किसके, डी अपॉन म्यू के। तो इसलिए हम कहते हैं जो दो आपका डी अपॉन म्यू है वो आपके प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। जब हम इसे रिवर्स कर देंगे तो आपका टेम्परेचर भी रिवर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। आप क्वेश्चन होता क्या पूछता इसका है, स्टूडेंट क्या करते हैं इसको लगा के आ जाते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं हम यूनिट की, मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट इनवर्स। वोल्ट इनवर्स कैसे होगी, क्या पूछ रहा है, मोबिलिटी टू डिफ्यूजन। तो मोबिलिटी टू डिफ्यूजन ये है, तो इसका मतलब जो आपको पता है वन अपॉन वी टी यानी थर्मल वोल्टेज, और थर्मल वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो आपकी जो मोबिलिटी टू डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, वी इनवर्स। इसी तरह जब आपकी डी अपॉन म्यू की यूनिट पूछी जाएगी तो क्या होगा, वोल्ट होगा, सीधा सीधा वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर। डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ चार्ज कैरियर को अब हम डिस्कस करते हैं। तो आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो ये रिलेशन होता है ये कहाँ से आता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा आइंस्टाइन इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डी एन अपॉन म्यू एन इक्वल टू वी टी। अगर वहां से हम डी एन की वैल्यू निकाले तो हमारा ये रिलेशन निकल के आता है, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन कांस्टेंट होगी वो क्या होगी, डी एन इक्वल टू वी म्यू एन इंटू वी टी। अगर होल के डिफ्यूजन कांस्टेंट निकाले तो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा म्यू पी इंटू वी टी। ठीक है, अगर हम डिफ्यूजन कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो जो इसकी यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बात करते हैं ये यूनिट आई कैसे। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि जो हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है वो मोबिलिटी मल्टीप्लाई थर्मल वोल्टेज होता है, और मोबिलिटी की हमने यूनिट देखी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड।
ठीक है। और हमने थर्मल वोल्टेज की अभी अभी मैं आपको बता चुका हूँ यूनिट क्या होती है, वो होती है वोल्टेज। तो वी से वी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका निकल के आती है यूनिट वो क्या निकल के आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसको हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है आपका डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट जो होता है वो आपका टेम्परेचर के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। वो कैसे करता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूला है डिफ्यूजन कांस्टेंट का वो क्या होता है, मोबिलिटी इनटू थर्मल वोल्टेज, ठीक है। थर्मल वोल्टेज में हमने पढ़ा था कि जो वी टी होता है वो इक्वल टू होता है किसके, टी अपॉन 11600, यानी जो आपका थर्मल वोल्टेज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आपकी टेम्परेचर के, ठीक है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपकी थर्मल वोल्टेज इंक्रीज करेगी, हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद हमने मोबिलिटी के बारे में भी पढ़ा था, मोबिलिटी क्या होती है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी जो मोबिलिटी होती है चार्ज कैरियर की वो आपकी डिक्रीज करती है। तो हमारा जो डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट है वो आपका मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, थर्मल वोल्टेज पर, यानी दोनों पर हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितनी स्पीड से हमारी थर्मल वोल्टेज इंक्रीज होती है उससे तेज स्पीड से हमारी जो मोबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज करती है, ठीक है। समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आपका थर्मल वोल्टेज भी इंक्रीज करता है लेकिन जो आपकी मोबिलिटी होती है वो तेज स्पीड से आपकी डिक्रीज करती है जब कंपेयर करते हैं थर्मल वोल्टेज को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम देखेंगे कि डिफ्यूजन कांस्टेंट की आपकी वैल्यू क्या होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। जर्मेनियम में भी देखेंगे और हम सिलिकॉन की भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जर्मेनियम की बात करते हैं, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो होती है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसी तरह आपकी जो होल की होगी वो होगी 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसी तरह आपकी जो होगी वो सिलिकॉन की होगी। बात करते हैं हम कि इस वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। हम जर्मेनियम की ही बात करते हैं, सिलिकॉन की आप अपने आप से निकालना, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह निकलेगी। तो हम जानते हैं जो डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट होता है वो क्या होता है, मोबिलिटी इंटू थर्मल वोल्टेज, और मोबिलिटी की वैल्यू हमें पता है जर्मेनियम में क्या होती है और सिलिकॉन में क्या होती है। अगर मैं हम जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होती है आपकी 3800, और जो आपकी होल की मोबिलिटी होती है वो होती है आपकी 1800। और थर्मल वोल्टेज की वैल्यू हमें पता है, हमने पढ़ी थी 26 मिली वोल्ट होती है। तो हमें जर्मेनियम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन की निकालूँ तो 3800 × 10³, क्योंकि इसे हमने कन्वर्ट कर दिया वोल्ट में। तो हमारी जो डीएन की वैल्यू निकल के आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, जो डिफ्यूजन कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 99 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह हम डीपी की निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो जर्मेनियम में होल की मोबिलिटी कितनी होती है 1800, और थर्मल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 26 × 10³। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो डीपी की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं कि सिलिकॉन में आपके इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी क्या होती है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1300 होती है और होल की मोबिलिटी आपकी 500 होती है। इसमें एक रिलेशन और होता है, अगर हम डीएन अपॉन डीपी कर दें तो हमारा ये होगा, तो आपका जो वीटी है वीटी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा वो इस तरह निकल के आएगा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमें एक बात पता चलता है, ये हमारा मोबिलिटी है, ये मोबिलिटी, अगर दोनों मोबिलिटी की वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। तो डी एन अपॉन डी पी का जो रेशियो होगा किसमें, जर्मेनियम में, तो वो कितना होगा, वो होगा आपका 2:1, ठीक है, क्योंकि आपको मोबिलिटी की वैल्यू आपको पता है। सिलिकॉन के लिए कितना निकल के आएगा, 2:6, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो आपका जो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है ये आपका मटेरियल कांस्टेंट होता है एसोसिएटेड विद द प्रॉपर्टी कॉल्ड डिफ्यूजन,
ठीक है, जो आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट है ये आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफ्यूजन कांस्टेंट आपका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होता है और आपका ये कभी इंटीजर भी नहीं होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कभी भी इसकी वैल्यू आपकी फ्रिक्शन में नहीं होगी। अभी आपने देखी थी सबकी वैल्यू, आपकी कोई भी वैल्यू आपकी फ्रिक्शन में नहीं थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।